रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल और करम से सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रवीना स्ट्रॉन्ग। तो सबसे पहले चैनल पर नए आने वाले व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, आर का बटन दबाएं, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो लाइक किया करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बैंगन की। और ये बैंगन की रेसिपी है, भरे हुए बैंगन आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, इसका मसाला बनाना सिखा रही हूँ। तो बहुत ही आसान है तरीका। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये मैंने बैंगन ले लिए, तकरीबन 6-7 बैंगन है छोटे छोटे से, ये देखें आपको दिखा रही हूँ। इसको मैंने अच्छे तरीके से वाश कर लिया है। इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो हमारे घर में ही मसाला सारा दस्तयाब होता है, हमारे किचन में वही जाएगा। इसके अंदर प्याज इसके अंदर जाएगा, टमाटर है 1 अदद, 3-4 सब्ज़ मिर्चें हैं, लहसुन और अदरक है ये थोड़े सा, 2-3 जवे लहसुन के, इसको मैं पीस लूँगी फिर आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर जो मसाला भरेंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। खुश्क धनिया है, ये मैंने कुंडी के अंदर डाल के रखा हुआ है, ये देखे बिल्कुल साफ़ सुथरा करके। ये तकरीबन 4-5 चम्मच खुश्क धनिए के हैं। बाकी इसके अंदर जाएंगे स्पाइसिस में जो जो चीज़ें, वो हल्दी, सुरख मिर्च है ये पीसी हुई मोटी वाली, हसबे ज़रूरत नमक है, कलवंजी है थोड़ी सी 2-3 चुटकियाँ कलवंजी है, चाट मसाला है, ज़ीरा है तकरीबन 1/2 चम्मच है, ये घी जाएगा इसके अंदर। अब मैं सबसे पहले मसाला तैयार करूँगी, आपको बता देती हूँ कि बैंगन के अंदर जो मसाला हम भरेंगे वो क्या क्या चीज़ें जाएंगी। खुश्क धनिया पाउडर है, इसका हम बनाएंगे खुश्क, ये साबुत धनिया, इसको हम खुश्क कर देंगे अच्छे तरीके से, पीस लूँगी मैं इसको। इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा ये जाएगा, इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से पाउडर हम बना लेंगे। व्यूअर्स, अब खुश्क धनिया मैंने साबुत धनिया और ज़ीरा पीस लिया है तकरीबन मोटा मोटा सा। अब इसके अंदर जाएगा लहसुन और अदरक, ये जो मैंने आपको दिखाया था, इसको हम पीसेंगे। व्यूअर्स, अब लहसुन और अदरक भी मैंने पीस लिया है इसके साथ, देखें ये तीनों सारी चीज़ें मिक्स हो गई है। थोड़ा सा हम प्याज और सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर डाल देंगे, उनको भी पीस लेंगे। थोड़ा सा मैं ग्रेवी के लिए रख लूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा जाएगा, 2-3 सब्ज मिर्चें डाल लूँगी हल्की सी बस, इनकी भी हम पसाई कर लेंगे अच्छे तरीके से मसाले के अंदर। मैं आपको करके दिखाती हूँ अभी। व्यूअर्स, अब मैं इसको पीस रही हूँ अच्छे तरीके से, प्याज और सब्ज मिर्च को भी इसके साथ, ताकि बिल्कुल ये बारीक पीसा जाए अच्छे तरीके से, फिर हम इसकी इसको भरेंगे बैंगन के अंदर। आप लोग ग्राइंड भी कर सकते हो इसको, लेकिन ऐसे बहुत मज़े का बनेगा, हाथ से आप इसकी पिसाई करेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा ज़्यादा। अब इसके अंदर जाएंगे स्पाइसेस में जो जो चीज़ें आपको दिखाई हैं सारी चली जाएंगी, इनको हम मिक्स कर लेंगे। बस अब मसाला बिल्कुल तैयार है, माशाल्लाह देखिए पिसाई इसकी हो चुकी है। इसको हम अच्छे तरीके से साफ करके निकाल लेते हैं। अच्छे तरीके से आप बर्तन में निकाल लें किसी में। बस अब मैं बैंगनों को कट लगाऊंगी, बैंगन हमने अच्छे तरीके से धो लिए हैं, अब इनको कट लगाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप किसी भी तरीके से इसको शेप दे सकते हैं, बारीक बारीक से ऐसे कट लगाने हैं हमने। मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि इनके अंदर मसाला अच्छे तरीके से भरा जाए, ऐसे हमने इनको कट लगाना है। ये देखें ऐसे हम इनके अंदर मसाला भरेंगे, मैं सारे आपको दिखा देती हूँ। कट लगा, मैंने इनको कट लगा दिया, ये देखें दोनों तरीके से लंबाई में भी लगा दिए हैं, आप जैसे मर्जी इसको शेप दे दें। अब मैं मसाला भरूंगी इनमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाथ से भर सकते हैं, चम्मच की मदद से भी आप लोग भर सकते हैं ऐसे इस तरह, एक एक कट के अंदर आप लोगों ने ऐसे मसाला भरना है। ये देखिए अच्छे तरीके से मसाला भर रही हूँ मैं, ऐसे सारे भर देंगे हम। व्यूअर्स, बैंगन मैंने अच्छे तरीके से मसाले से भर दिया, ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा इसका मसाला फिलिंग कर दिया इसके अंदर, आपको दिखा रही हूँ। तो अब मैं जितना मसाला थोड़ा सा बचा था इसके अंदर, मैंने टमाटर प्याज जो बचा था वो इसके अंदर मिक्स करके हम ग्रेवी में डालेंगे। आपको बताती हूँ आगे क्या करना है।
व्यूवर्स, अब मैंने एक कढ़ाई ली है तो इसके अंदर मैं घी डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन एक प्याली के करीब घी है ये। घी के अंदर मैं ये डाल दूंगी बैंगन, जो भरे हुए बैंगन, इसके घी गर्म हो रहा है तो इसके साइडों पे रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ्लेम बिल्कुल हमने हल्का रखना है, जैसे हम करेले भरके बनाते हैं इसी तरह हल्के आंच पे ये बनेंगे, दम पे रख दूंगी। व्यूअर्स, बैंगन मैंने अब रख दिए हैं इसके लिए फ्राई होने के लिए एक कढ़ाई में, तो हल्की आंच कर दी है, अब हम इनको पकने देंगे। ये जो मसाला था ये भी मैं साइड पे लगा दूंगी ताकि हल्की आंच पे ये भी पक जाए। इसके साथ साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक साइड पे हम इसको कर देंगे। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन दे दूंगी तो हल्की आंच पे ये पकेगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर के बाद इनको कैसे पलटना है। व्यूअर्स, अब तकरीबन 5-6 मिनट हो चुके हैं, मैं इसकी साइड पलट के देखती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम देखते हैं कि मसाला कितना तैयार हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह से हल्की आंच पे मैंने रखे हुए हैं तो बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। मसाले को हल्का सा हम हिला देंगे, मिक्स कर देंगे यहाँ से ताकि टमाटर गल जाएं। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है मसाले की, और माशाल्लाह देखें बैंगन भी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं एक साइड इसकी। अब हम इसको पलट देंगे। ये देखें माशाल्लाह, आपको मैं दिखा रही हूँ हल्की आँच पर मैं बना रही हूँ। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर होती है लेकिन सालन बहुत मज़े का बनेगा, और अगर हम सादा सब्जी तो बनाते हैं लेकिन कभी कभी ऐसे भी बना के आप लोग बच्चों को खिलाएं, सब घर वालों को मसाले वाले बैंगन भर के ज़रूर, जो मैंने रेसिपी बताई है इसी तरीके से आप पूरी देखें, यही मसाला आप भर के दिखाएंगे तो खिलाएंगे सबको तो बहुत ही मज़े का लगेगा और सबको बहुत पसंद आएगा, और वीडियो को स्किप ना किया करें। अब इसकी मैंने साइड पलट दी है, फिर हम दोबारा इसको रखते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर मैं आपको असल हालत में दिखाती हूँ। एक अदद आलू है मेरे पास, इसको भी मैं मसाले के अंदर डाल दूंगी इसके गोल गोल पीसेस करके, पर एक आलू था इसके अंदर, मैंने सोचा वो भी डाल दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे पतले पतले से हम पीस करके साइडों पे रख देंगे, बहुत ही मजे का आलू का टेस्ट भी आएगा। व्यूअर्स, अब मैं फाइनल लुक देखते हैं हम सालन की, के बैंगन कहाँ तक पहुँचे हैं और आलू तैयार हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोनों साइडें इसकी पलट दी हैं मैंने, माशाल्लाह देखें इसकी बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुके हैं आलू भी, ये देखें दोनों साइडों से। अब मैं आपको प्लेट में डाल के दिखाती हूँ। व्यूअर्स देखें माशाल्लाह से इसकी लुक देखें, बैंगन और आलू, मैंने एक आलू डाल दिया था इस बाद में, फ्राई हो चुका है इसके साथ मसाले में, बहुत ही मज़ेदार बैंगन भरे हुए बने हैं, तो आपने ज़रूर बना के देखनी है और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सबकी परेशानियां दूर करें, दुआओं में मुझे भी याद रखें। तो इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।